इज द क्लेम्सन रिडक्शन. ओके, क्लेम्सन रिडक्शन बेसिकली ये इस टाइप की रिएक्शन है कि जिसमें जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो रिप्लेस हो जाता है मिथिलिन ग्रुप से. जैसे कि मान लो हमारे पास ये है, दैट इज कीटोन है एक प्रकार का, दैट इज एसीटोन. और इस एसीटोन को, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका रीजन हमको याद रखना है, दैट इज द जेड एन एच जी इन एच सी एल. ये इसका एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है. तो बेसिकली ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो रिलीज हो जाएगा और उसके जगह पर सी एस टी ग्रुप यहाँ पर फॉर्म होगा. इस तरह के रिएक्शन को बेसिकली जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनको मिथिलिन ग्रुप वाले कंपाउंड में या कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है. तो बेसिकली हमको प्रोडक्ट यहाँ पर एक अल्केन मिलेगा, सिंपल सा अल्केन, दैट इज द क्लेम्सन रिएक्शन, द रिडक्शन विच इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमालगम इन एस सी एल अलॉन्ग विद द कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड गिव्स द सिंपल अल्केन, दैट इज कॉल्ड एज क्लेम्सन रिडक्शन. ओके, सो वी विल गो फॉर द फॉर अवर नेक्स्ट रिएक्शन एंड दैट इज द वोल्किशर रिडक्शन. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिएक्शन विच इज यूज टू चेंज द कार्बोनिल ग्रुप इन टू द मिथिलिन ग्रुप. ओके, सो बेसिकली फिर से हम वही कीटोन लेंगे, दैट इज एसीटोन रिएक्ट विथ. अब बेसिकली यहाँ पर जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो दैट इज हाइड्राजाइन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2. ओके, तो फिर से ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इट विल कन्वर्ट इन टू CH2 ग्रुप. ओके, दैट इज CH3 CH2 एंड CH3. तो ये जो हमारी वोल्किशर रिएक्शन है, WK रिएक्शन भी कहा जाता है इसको, तो इस रिएक्शन में हाइड्राजाइन के हेल्प से किसी कार्बोनिल कंपाउंड को सिंपल अल्केन में कन्वर्ट किया जाता है. दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एन वोल्किशर रिडक्शन रिएक्शंस. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. अब इसके बाद की हमारी जो रिएक्शन है दैट इज द स्टीफन रिएक्शन. Basically, in this reaction, alkyl cyanide is react with SnCl2 in HCl, and it will gives corresponding aldehyde. It's called as Stefan reduction. The most important thing about this reaction, we should need to remember the whatever the reducing agent has been utilized in this reaction. Stannous chloride in HCl is used to reduce that alkyl cyanide into the corresponding aldehyde. The reaction in which alkyl cyanide is converted into the corresponding aldehyde in the presence of stannous chloride in HCl is called as a Stefan reaction. Okay, so last reaction we have to study, that is Marvin-Pandorf-Willi reaction.